हेलो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक झरना है तो चलिए दोस्तों उसकी तरफ मैं लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र गी, आप देख रहे हैं डीजी ब्लॉग पर, स्वागत है दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं जोधपुर के सबसे स्पेशल और शानदार जगह पर, बैरी गंगा। जोधपुर में बहता है यह झरना। तो यह जोधपुर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाकों में से एक कच्चा रास्ता जाता है, वहाँ पर यह बैरी गंगा का झरना है बहता है। तो जब भी आओ दोस्तों, यह आप रास्ता देख सकते हो, बहुत ही कटीला और बहुत ही पहाड़ चट्टानों वाला रास्ता है। जब भी आओ शूज पहन के ज़रूर आओ, क्योंकि चप्पलों से आदमी गिर भी सकता है। यहाँ का व्यू आपको बहुत ही शानदार नज़र आता है, तो चलिए देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। और बहुत सारे हमारे भाई साहब दोस्त वगैरह आए हैं, आप आगे चल रहे हैं देख सकते हो। दोस्तों पानी की इतनी स्पीड ज़्यादा है जो आदमी को साथ में बहा ले जाती है। ये भाई साहब ये पार करने की कोशिश कर रहे हैं पर इनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी उस तरफ जाना चाहता हूँ, पर मैंने एक सोचा, एक आइडिया लगाया मैं कि चलो एक साथ में चलते हैं। तो पार हो गया वो झरना, तो ये हमारे साथ में, ये भाई साहब देख सकते हो पानी का मज़ा लेते हुए, ये दूसरे भाई साहब भी हैं, बहुत ही शानदार मज़ा ले रहे हैं। आप पानी का व्यू देख सकते हो, कितना लोग एंजॉय ले रहे हैं। तो आप यहाँ आ सकते हो पानी के इस माहौल पर। तो चलिए दोस्तों, और आगे आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा झरना दिखाने वाला हूँ। देखो झरना का मज़ा, शानदार झरना है, बहुत ही सुंदर ज़्यादा है, बच्चे भी आया है साथ में। दोस्तों आप देख सकते हो छोटे बच्चे भी झरने का मज़ा लेने के लिए आए हैं। झरना इतना ख़तरनाक है कि बहुत ही शानदार है। ये झरने की गहराई लगभग 100 फीट हो सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको ये बता देता हूँ मैं कि ये पानी आता कहाँ से है। तो ये दोस्तों, ये जोधपुर की जो सबसे बड़ी पहाड़ियों से ये पानी एकत्रित होता है और इस झरने में बहता है। ये जोधपुर का एकमात्र
सबसे शानदार झरना है जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं। यह बहुत ही हिडन झरना है, किसी को अभी तक मालूम नहीं है, ये जोधपुर में ही बसा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यह बैरीगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर जब भी आओ सतर्क होकर चलना, क्योंकि ये पहाड़ियाँ बहुत ही फिसलन सी है, आप गिर भी सकते हो। ज़रूर सूद पैर के ज़रूर आओ, मेरी राय यही है। तो यह बहुत ही हिडन झरना है, किसी को मालूम नहीं है। तो आपको मैंने पूरी जानकारी दी इस झरने के बारे में। आपको नीचे चलने पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी जो आप देखना ज़रूर। तो आपको मैं बता दूँ कि इस चैनल पर बैरीगंगा का एक वीडियो ज़रूर आएगा जो बैरीगंगा मंदिर का पूरा व्यू बताएगा, उसके बारे में क्या क्या जानकारी है उसका भी आपको, तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आगे हम चलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, लोग भाग रहे हैं क्योंकि झरना कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको इस चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पास ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इसका कौन सा व्यू आपको अच्छा लगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।